नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे डेयरी कृषि क्या है। दोस्तों, डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। इसमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के भंडार एवं दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता रहती है, क्योंकि फसलों की तरह इनमें कोई अंतराल नहीं होता जिसमें श्रम की आवश्यकता ना हो। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन प्रशीतकों का उपयोग पास्तेरीकरण की सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। वाणिज्य डेयरी कृषि के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, दूसरा कनाडा एवं तीसरा क्षेत्र न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मीनिया है। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।